देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आई विस्तार से आज की तमाम बड़ी सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। आपसी विवाद में एक महिला और दो पुरुष जख्मी। जी हां, फरुखाबाद में जितेंद्र पाथम आयु लगभग 22 वर्ष, पिता मुन्नालाल, ग्राम पैथानबरी थाना कायमगंज में दो गुटों के आपसी विवाद में एक महिला समेत दो पुरुष जख्मी हो गए। फरुखाबाद से हमारे संवाददाता मितेश कुमार सिन्हा से बात करता जख्मी का भाई। क्या नाम आपका? पिताजी का नाम? मुन्नालाल। लगभग आयु? मेरी 32। गांव कौन सा पड़ता? थाना? जिला? जख्मी के साथ आपका क्या रिश्ता है? जख्मी जो व्यक्ति है अभी पड़े हुए हैं उन भाई है, इनके साथ ये दुर्घटना कैसे हुई? दुर्घटना ये जैसे घर पे आया, ईंट मार दी। किसने ईंट मारी? छोटे भाई ने। छोटे भाई ने। इन आपके सगे भाई छोटे थे या चाचा वगैरह के लड़का थे? सगा होगी। तो क्या कि इसकी शिकायत आपने पुलिस में भी की है? पुलिस में की है सब कुछ। तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? नहीं। कोतवाल क्या कर रहा है? थाना पे आपने जब रिपोर्ट लिखाई तो थाना वाले क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पूरी कार्रवाई करेंगे। एक मुझे मतलब जिसने ईंट चलाई हुआ अभी फरार चल रहा है? हाँ, फरार। उनका नाम क्या जिन्होंने ईंट चलाया है? जिन्होंने इन पे ईंट चलाया उनका नाम क्या? संदीप। उम्र कितनी होगी उनकी? उनके 20 साल। उनके पिताजी का नाम? राजकुमार। गांव कौन सा पड़ता है उनका? मैनपुरी। थाना मैनपुरी। जिला कौन सा था? मैनपुरी। जिला भी मैनपुरी है और आपका फरुखाबाद पड़ता है। मेरा इतने दूरी से आके आदमी ने कैसे इन पे अटैक कर दिया? ऐसे जैसे ये रिश्तेदारी आए थे, मौसी के लड़का है, तो ये आए थे तीन को, और ये आए गए तो उधम मचा रहे थे, विवाद उठा रहे थे, तो मैंने रोको तो इसने ये कही तुम हटो, बड़े भाई हो तो हमें रोकन दो। इतने में ये रोकने गए, इतने में ईंट सीधी मारी, ये यहाँ पर लगी, उसकी बात यहाँ पर लगी, ये बर्बाद हो गए, अपनी जान से बच गए, बहुत मंजूर। कुल मिलाकर यह कहे कि इन लोगों में आपसी रंजिश पहले से कोई रंजिश नहीं थी? हाँ, पहले कोई रंजिश नहीं थी, सिर्फ टिंकू ने और दो भाइयों ने दारू पी रखी थी, इसलिए मेरे भाई को जब नहीं कर। मतलब जिन्होंने अटैक किया इन पे वो नशे में थे? नशे में थे। और ये होश में थे? और कोई नहीं। जिस समय इन पर हमला हुआ था क्या ये होश में थे या ये भी नशे में थे? नहीं, ये होश में थे। अटैक करने वाला व्यक्ति नशे में था? राशन व्यवस्था है बेहतर? जी हाँ, आजमगढ़ के दोनों में कोटेदार अब्दुल कयूम ने बताया कि कल मशीन नहीं काम कर रही थी, बाकी आज सुबह से मशीन काम कर रही है। अब तक 9 लोगों को राशन दिया गया है। जनता को यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? ये दुकान अब्दुल कयूम के नाम जी, यूनिक नाम ये कोटा है जी। अच्छा, सुबह से यहाँ पे कितने लोगों को आपने दिया है? अब तक 8 आदमियों को दिया गया। अच्छा, क्या यूनिट दे रहे हैं? कितना दे रहे हैं राशन? एक यूनिट को 5 किलो और अंत्योदय पे 20 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल, 35 किलो। आज ये काम कर रहा है आपका मशीन? आज काम अभी तो स्टार्ट किया, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, कल प्रॉब्लम था इसमें? कल प्रॉब्लम थी, कल केवल 9 आदमियों को दिया गया। अच्छा, आप भी आए हैं लेने के लिए? अच्छा, यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कितना मिलता है चावल आपको यहाँ? वही 10 किलो चावल, 15 किलो गेहूँ। अच्छा, चलिए ठीक। अज्ञात व्यक्ति की हुई हत्या। जी हाँ, जौनपुर मड़ियाऊ थाना अंतर्गत ग्राम सभा सरोना गांव में एक अज्ञात अधेड़ की मिली लाश। लाश मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। गांव के लोगों ने मड़ियाऊ थाना पर दी इसकी सूचना। सूचना देने पर मड़ियाऊ थाना प्रभारी ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया। अज्ञात लाश की जेब से 500 रुपए और उसका आधार कार्ड मिला है। लोगों का कहना है कि अपराधियों ने इसे लाठी डंडे से पीट पीट कर की है इसकी हत्या। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जौनपुर से हमारे संवाददाता पवन धीवर की रिपोर्ट।
नमस्कार, मैं फोन दिया पास में के लिए। इसमें मड़ियाँ थाना अंतर्गत कौन सा गांव? सरौना गांव मौजूद। यहाँ पे एक आदमी को आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं हम लोग कि लाठी डंडे से मारकर घायल खत्म मार दिया गया है, जो कि यहाँ पे काफ़ी क्षेत्र में हम लोग पहुँचे मौके पे, तो कोतवाली थाना मड़ियाहूँ हमने जो है कोतवाल को संज्ञान में डाला, ऐसा ऐसा यहाँ वारदात हो गया है। तो मौके पे पुलिस आई है, छानबीन की, सिर की ले गई है, फिर कब्जे में ली। यहाँ ग्रामीण के काफ़ी लोग जुटे हुए थे, यहाँ क्षेत्र का नहीं था। हमको लग रहा है कि बाहरी था ये आदमी। लाश की पहचान हुई? अभी कुछ पहचान नहीं हो पाया है, पुलिस छानबीन कर रही है। दर्शकों अभी ले लेते हैं छोटा सा विराम। समझौता क्यों, आज ही सबसे बढ़िया जनरेटर लाए ईचर इंजन्स। संपर्क करें 9649912120, 9838766078। फ्री पत्रिका बांटे, 1,000 से 1,00,000 मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें fastnewsindia.co पर एवं संपर्क करें 9454194001 एवं 03 एवं 06 एवं 07 पर भी। निमंत्रण पत्र, संत कबीर साहिब जी का 621वां प्रकट दिवस सत्संग समारोह एवं विशाल शोभा यात्रा। पता, सत्य पंथ आश्रम नजदीक बाईपास तालाब रोड झंझर हरिद्वार। देखरेख संत इंद्रमणि साहब जी के परम सेवक संत सुरेंद्र दास जी महाराज। संकल्प ट्यूटोरियल्स IIT JEE नीट 9th, 10th, 11th, 12th, TET SSC बैंक रेलवे। संपर्क करें 9335418689 एवं 9335720660 पर। दुबले पतले लड़के लड़कियां बच्चे, सेहत व वजन बढ़ाएं, बिबग्योर क्लिनिक लखनऊ, लेखराज मार्केट 1, इंदिरा नगर 9839022550। अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स 9th, 10th, 11th, and 12th, एनी बोर्ड, सेव योर इयर्स। NIOS नेशनल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू हॉरिजन्स, अपोजिट PDR मॉल, लक्सा, वाराणसी। Contact on 7376061000 and 9451373839। इन्हीं लोगों की तरह फ्री पत्रिका बांटे, 1,000 से 1,00,000 मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट fastnewsindia.co पर लॉगिन करें और कॉन्टैक्ट करें 9454194001 पर या 03 पर या 06 पर या 07 पर। अरे यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ज्वेलरी की शॉपिंग कहाँ से करूँ? सारे डिजाइनर शोरूम तो शहर में हैं। बिल्कुल नहीं, अब तो तू शॉपिंग पांडेपुर से ही कर सकती है। मैंने अभी अभी अपनी शादी की सारी शॉपिंग हरे कृष्ण ज्वेलर्स पांडेपुर से ही की है। अरे भैया, गाड़ी जरा लालपुर रोड की तरफ मोड़ना। जी हाँ, अब वरुणा पार के लोगों के लिए भी श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स लेकर आए हैं सोने चांदी और हीरे के डिजाइनर ज्वेलरीज लालपुर रोड पांडेपुर वाराणसी में। जी मम्मी, भैया की शादी की ज्वेलरी कहाँ से ले रही हो? वही तो सोच रही हूँ। क्यों, हरे कृष्ण ज्वेलर्स है ना, वो भी घर के पास महमूरगंज में ही। अब सारी मनपसंद ज्वेलरी वहीं मिल जाएगी। पूरे शहर की खाक छानने की बिल्कुल जरूरत नहीं। श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स का नवीनतम शोरूम अब महमूरगंज वाराणसी में भी। सोने चांदी व डिजाइनर ज्वेलरी का विशालतम शोरूम अब आपके बिल्कुल पास। श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स की ट्रेडिशनल व डिजाइनर ज्वेलरीज अब आपके बिल्कुल पास, लालपुर रोड पांडेपुर एवं महमूरगंज वाराणसी में, जहां है आपकी पसंद के लेटेस्ट कलेक्शन, वो भी एक से बढ़कर एक। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। नवीनीकरण हेतु बैठक हुई संपन्न। जी हां, मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में उत्तराखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल की नवीन स्थायी मान्यता नवीनीकरण हेतु मान्यता समिति की बैठक आयोजित की गई। यहां श्री AK सिंह मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर, अध्यक्ष श्री पद्मिनेन्द्र सकलानी जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा उधम सिंह नगर, सचिव सदस्य श्री नरेश दुर्गाकांत आदि अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शाहनूर अली से बात करते श्री AK सिंह मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर।
उसको भी चिट्ठी बना के भेज दो, उसी के साथ सर्वन करते हैं। यहाँ से उनके पास जाते हैं, नहीं वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन फाइल यही आएगी, यहीं से सभी डिप्टियों को चली जाएगी, भैया आपके इतने डॉक्टर हैं, आप इसकी अध्ययन को दें ताकि नहीं, लेकिन दो बातें आती है ना, नहीं चालान तो वो लगा लेगा, बट जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग है, छत पर भी चल रहा है, बिल्डिंग तो नहीं बना देगा। जब तक वो चालान नहीं लगाएगा हम उसके स्कूल में जाएंगे नहीं, चालान सलन नहीं है, ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं, यहाँ से जाएगा, आता है आपका विचार किया जाना संभव नहीं है, वो तो जाएगा, इनको तो जाएगा कि आपने चालान सलन नहीं है, अतः आपके प्रकरण पर विचार नहीं किया गया, सीधी बात एक शब्द जाएगा कि आपके पत्रालय में चालान। मान्यता समिति की आज जो बैठक हुई है इसमें 27-28 प्रकरण पर जो नवीन मान्यता देते थे उस पर परीक्षण किया गया है, और अभी एग्जैक्ट मैं बताने की स्थिति में नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जो प्रकरण हमारे स्वीकृत हो गए हैं ये परसों हम इसकी भी वो जारी कर देंगे सोम मंगल तक, और जो नहीं हो पाए हैं उसमें कुछ में ये था कि चालान नहीं लगे हैं, तो जिन पर चालान नहीं लगे हैं उनको हम नोटिस भेज के चालान लगवाएंगे, और एक सप्ताह के अंतर्गत उनकी मान्यता दोबारा बैठक करके हम जून महीने के अंदर ही इनको कर लेंगे। जहाँ तक रिन्यूअल मान्यता की बात है उसमें भी कई लोगों की पुरानी मान्यताएँ हैं, लेकिन उन्होंने पूर्व में औपबंधिक मान्यता के बाद भी चालान नहीं लगाया, उनकी मान्यताएँ फिर हम नोटिस भेज रहे हैं कि आप चालान लगाएं, तदुपरांत आपकी मान्यता पर विचार किया जाएगा, ऐसे 72 प्रकरण हैं। प्री नर्सरी की भी मान्यताओं का प्रकरण है, लेकिन वो भी पुरानी मान्यताओं के जोड़ में है कि भाई पुरानी मान्यता है तो उनको प्री की भी दे दीजिए, उसी समीक्षा आज नहीं हो पाई है समय अभाव के कारण, क्योंकि हमारे जो जिलाधिकारी महोदय नामित सदस्य थे उनको भी कहीं जाना था, तो हम 2-4 दिन में फिर बैठक करेंगे, अगली बैठक में सारे प्रकरण निस्तारित कर दीजिए। नहीं हम ये नहीं समझ पा रहे हैं उनकी जो फाइल आई है कि पहले उन्होंने चालान जमा कर रखा है कि नहीं रखा है, क्योंकि उनकी फाइल में चालान नहीं है, तो हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि अगर आपने चालान पहले लगाया है तो आप चालान जमा कर दें, और नहीं लगाया है तो दोबारा से चालान जमा कर दें, जिससे आपकी मान्यता पर विचार किया जा सके। जिन्होंने चालान लगा रखा है अगर उस संस्कृति है उनकी कोई कमियां हैं तो उसको औपबंधिक मान्यता हम अगली बैठक में प्रदान करेंगे, और उनको 1 साल का समय दे देंगे कि कमियों को आप पूरा करें। प्रयागराज में भी डॉक्टर बैठे धरने पर। जी हां, प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल में डॉक्टर धरने पर बैठकर अपनी मांग कर रहे हैं। हाल ही में कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो हादसे हुए हैं डॉक्टरों को मारने के लिए, इसीलिए डॉक्टर सुरक्षा की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रालू सिंह की ये रिपोर्ट। वजह बता दीजिए, और अगर आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं की जाएगी तो आप क्या करोगे? देखिए, हड़ताल की वजह यही है, कोलकाता और पश्चिम बंगाल में जो हादसे हुए हैं डॉक्टरों के को मारने के लिए, वहाँ पे एक 87 साल के बुजुर्ग थे, उनके वो कार्डियक अरिथमिया और सेप्टिक सीमिया के कारण उनकी डेथ हो गई, जिसके लिए वहाँ के तीमारदार 150 से 200 की संख्या में आए और डॉक्टरों को बुरी तरह से मारे, उसमें से 2 लोग ऐसी तरह से घायल हुए जिनकी बचने की उम्मीद बहुत कम बताई जा रही है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग अभी वहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए हम यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, और अभी OPD सुविधाएं बंद की गई हैं, लेकिन इमरजेंसी सुविधाएं हम चालू रखते हैं, यहाँ पे इमरजेंसी में जो पेशेंट आ रहे हैं उनको लौटाया नहीं जा रहा है। हमारी सरकार से यही मांग है कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें ताकि हम लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, और गंभीर बीमारी वाले जो मरीज आते हैं उनको लेने में अब ये डर लगता है कहीं नहीं कुछ हो जाए तो तीमारदार हमें कुछ कर लें, तो इसको लेकर आपके लिए सुरक्षा कुछ मौजूद है? यहाँ सुरक्षा कुछ मौजूद है, कोई सुरक्षा जो भी है, यहाँ पे पुलिस चौकी है, यहाँ पे 2 या 3 कांस्टेबल जो रहते हैं यहाँ पे वही लोग रहते हैं, और जब भीड़ आ जाती है वो भी कंट्रोल नहीं करते। ये प्रोटेस्ट कितने दिन चलेगा? ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो 150 से 200 लोग जो थे उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। हॉस्पिटल का तोड़ फोड़ हुआ है, हॉस्पिटल में हानि पहुँचाई गई है, पेशेंटों को भी नुकसान हुआ है वहाँ पे, और जो ये बंद हुआ है पूरा भारत मेडिकल के उन्हीं के कारण पूरा बंद हुआ है। ममता बनर्जी से आप क्या कुछ मांग करेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मांग हम यही कर रहे हैं कि वो डॉक्टरों को सुविधा प्रोवाइड करें जो हम लोग मांग कर रहे हैं, और उन्हें अच्छे तरीके से उनके परिवार का भी वो ध्यान रखें जिनको जिनको चोट पहुँची है, जिस तरह से वो लाइफ स्टाइल जीना चाहते थे उस लाइफ स्टाइल उनको प्रोवाइड करें। और हम आपका नाम? हम जो है पश्चिम बंगाल और कोलकाता के सारे स्टूडेंट स्टाफ के साथ हैं, हमारा भी यहाँ पर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के सारे स्टूडेंट स्टाफ कंसल्टेंट सब उनके साथ खड़े। अपना परिचय दे दें। सूर्यमान कुशवाहा, निर्देश। जारी रहेगा, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।